हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे सभी साइज ब्लाउजों की कटिंग कैसे करेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करना नहीं आता तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पहले हम पेपर पर कटिंग करना बताएंगे, जिससे कि आप सभी साइजों के ब्लाउजों की पेपर कटिंग काट सकें। तो हम कैसे, एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कटिंग कैसे करेंगे, कपड़े को कैसे बिछाएंगे और कितना आर्म होल और जो शोल्डर होता है वो कितना हम लेते हैं, एक अंदाज़ा होगा आपको। तो ये पहले हम पेपर पर कटिंग करें, आप कपड़ा मत ख़राब करें। पहले पर पेपर पर कटिंग करेंगे। तो एक हमने ये पेपर लिया हुआ है, इस पर हम कटिंग करेंगे। तो पेपर को हम कैसे बिछाएंगे ये तरीका आपको बताएंगे कि कैसे हमें बिछाना, कितना शोल्डर लेना, कितना आर्म होल लेना, सभी तरीका हम बताएंगे। तो पेपर को ऐसे हम यहाँ पे जैसे हम पेपर को बिछाएंगे उसी तरीके से बिल्कुल आपको कपड़े को बिछाना है। पेपर को पूरा हम खोलेंगे, यहाँ पेपर खोलेंगे और दोनों पार्ट एक ही बार में हम कटिंग करेंगे। तो पेपर को ऐसे बिछाना है, पहले हम पूरा पेपर खोल के और ऐसे इसको रखेंगे। तो पहले हमारा जो एक साइड होगा, एक पार्ट हम बड़ा लेंगे, एक छोटा। तो पेपर को थोड़ा हम जो पीछे का पार्ट होगा वो हमारा, देखिए ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, जो पीछे का हमारा पार्ट होगा वो हमारा छोटा होगा और आगे का पार्ट होगा वो हम बड़ा लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके हमने एक पार्ट यहाँ पे छोटा कर लिया और एक पार्ट हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। तो हम जो छोटा पार्ट होगा वो हमारा बैक पार्ट होगा, जो बड़ा पार्ट होगा वो आगे का होगा। और हम यहाँ पे तीरे वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे ब्लाउज की, जो हमारे सबसे मेन पहले आते हैं शोल्डर की, शोल्डर हमें कितना साइज किस में लेना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर कटिंग करेंगे। लगभग 5 इंच शोल्डर आप ले सकते हैं, लगभग 34 साइज तक। अगर आप 28 से शुरू करते हैं, 34 साइज तक अब आपके 5 इंच के शोल्डर हो सकते हैं। यहाँ पे 2 इंच के गले की गहराई होगी। अगर 34 साइज से आपके ज़्यादा होगा, लगभग 40-42 तक आपका सीना होगा, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का गले, हमने यहाँ पे 2.5 इंच के गले की चौड़ाई ली है क्योंकि हमारा 36 साइज है ब्लाउज। अब यहाँ पे हम करेंगे 5 इंच, लगभग 5.5 इंच हमारे शोल्डर आए, क्योंकि 2.5 इंच जो गले की चौड़ाई होगी वो हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद 2 इंच हम जो शोल्डर की पट्टी है वो रखेंगे, तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे 2 में, तो हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर पर हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमारा इधर गले की तरफ चला जाएगा, 1/2 इंच उधर, तो हमारी जो पट्टी होगी वो हमारे यहाँ पे 2 इंच की निकल आएगी। यहाँ से भी एक हम सीधी लाइन लगाएंगे, 5.5 इंच का निशान। अब यहाँ पे आर्म होल में कितना लेना, आर्म होल भी हमें 5.5 इंच लेना। अगर आप 30, 28, 30, 34 साइज कट करेंगे तो उसमें आप लेंगे 5 इंच, और लगभग 40 तक लेंगे 5.5 इंच आर्म होल, और 5.5 इंच से ज़्यादा हम लेंगे 40 साइज से ऊपर में 6 इंच लगभग। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे सीने का। सीना हमारा 36 है, तो 36 का हम लेंगे 9 इंच, चौथा भाग लेना है। जितना आपका सीना होगा ब्लाउज का उसका आप यहाँ पे चौथा भाग ले लेंगे, 2 इंच इसमें हम मार्जिन रख देंगे। और जो हमारी कमर होगी, कमर हमारी यहाँ पे है 32, तो 32 का हम लेंगे यहाँ पे चौथा भाग 8 इंच। ऐसे जैसे आपका सीना हो उसी हिसाब से हम आर्म होल लेंगे, उसी हिसाब से सीना शोल्डर लेंगे, और सीना जितना होगा उसका चौथा भाग लेंगे, आर्म होल होंगे उसका चौथा भाग लेंगे। सीना हमारा यहाँ पे था 32, तो हमने 8 इंच ले लिया 1 इंच डॉट के लिए, और 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। पेपर पर थोड़ा मार्जिन हमारा कम हो रहा है, अगर आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो पूरा हम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, जिससे कि ब्लाउज हमारा अच्छे से सिलाई हो जाए। अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। अब हमारा जो 2.5 इंच का यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने रखी है, अगर आप कम फैलाना चाहते थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करें जिससे कि हमारे कंधे उतरेंगे। यहाँ पे 2 इंच हमारा निकल आएगा, ऐसे शोल्डर की पट्टी हमारी 2 इंच निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गला है, गले की हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि हमारा गला कितना है। पहले आर्म होल की गोलाई दे देंगे, लगभग हम 1.5 इंच से गोलाई देंगे, और 1 इंच से हम
आगे की गहराई देंगे। तो ऐसे हम कर देंगे, ऐसे ले लेंगे, एक दूसरा निशान लगाएंगे जो ऊपर वाला हमारा जो बैक पार्ट होगा उसकी कटिंग होगी, और जो नीचे वाला होगा वो हमारे आगे की कटिंग होगी। अभी आप देखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2.5 इंच जो हमारा गला होगा वो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे। लंबाई हमारी यहाँ पे 6 इंच है गले की। जितना आपका गला ऊपर से आएगा नीचे तक उतनी ही आपको ब्लाउज से नाप लेना। अगर आप नहीं जानते तो मेरे चैनल पर ब्लाउज के बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड हैं, जिससे कि आप ब्लाउज का नाप लेना सीख सकते हैं। तो हम 6 इंच ही रखेंगे, जितना हमारा ब्लाउज का नाप आगे का आएगा उतना ही रखेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं। क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, आधा इंच हमारा पट्टी में चला जाएगा। तो यहाँ पे जितना होगा आपका ब्लाउज गला उतना ही निकल आएगा। 6 इंच पे हमने एक निशान लगाया, नीचे से हम लाइन करेंगे पूरा एक, वही यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। आपका जितना ब्लाउज गला निकले ब्लाउज का उतना ही ले लें, कोई इसमें ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और हमारा गला यहाँ पे सही निकल आएगा। तो गोल गला हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले करेंगे इसकी कटिंग, जिससे कि जो आगे का और जो पीछे का पार्ट है वो अलग हो जाए। पहले आप कुछ इसमें अब निशान ना लगाएं, और उसके बाद हम निशान लगाएंगे 4 टक के बाद में, जब हम पूरा गला और जो शोल्डर है वो कट कर लेंगे, उसके बाद हम इनमें निशान लगाएंगे। तो पहले हम गला कट करेंगे, फिर शोल्डर कट करेंगे, और हम यहाँ पे पार्ट अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सोचेंगे गला भी हमने कट कर दिया, गला हम कट कर देंगे और फिर हमारा जो बैक पार्ट होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे गला कट करेंगे। पहले गला कट कर लेंगे दोनों एक ही साथ में। अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते कि ब्लाउज में कितने साइज में, जैसे हमारा सीना कितना है उससे कितना हमें शोल्डर और आर्म होल लेना चाहिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा हम ट्यूटोरियल बिल्कुल बारीकी से बनाएंगे बिल्कुल, तो आप समझ सकें। तो कमेंट करके जो बताइएगा तो हम बनाएंगे। जो आप देखिए यहाँ पे एक हमारा पार्ट यहाँ पे छोटा है, एक बड़ा है। तो जो हमारा छोटा वाला होगा पार्ट वो हमारा बैक पार्ट होगा, और जो बड़ा वाला हमारा पार्ट निकलेगा वो हमारा आगे का पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आगे का पार्ट है वो हटा दें, बैक पार्ट को पहले हम गला वाला आपको बता दें कि गले जो जैसे हमने 6 इंच का आगे गला रखा और इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि बैक गला तो हम बड़ा बनाते हैं, तो बैक गला हम कैसे बड़ा करेंगे। यहाँ से देखिए ऊपर से रखेंगे, ऊपर से रखेंगे हम 8.5 इंच। जितना आपका यहाँ पे गला हो उतना आप लीजिए, 8.5 इंच हमने यहाँ पे गला है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, एक यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाकर और गोल गला यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें गोल गला ही चाहिए। तो गोल गला हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारा जो 8.5 इंच का गला है वो हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए पहले हम लाइन बना लेंगे बिल्कुल सीधी, और जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो मार्कर से बिल्कुल मत कट करिए, चौक से, जो कपड़े वाली चौक आती है उससे आप कट करिए। जो हम निशान लगाएंगे वो हम कपड़े वाली चौक से लगाएंगे। यहाँ पे हम एक डॉट डालेंगे, जो हमारे बैक पार्ट में डॉट डलती है ऐसे, डॉट डाल लेंगे। तो हमारे जो बैक पार्ट की है वो हमारी यहाँ पे डॉट डल गई। अब जो गला हमने यहाँ पे बढ़ाया है वो हम कट कर लेंगे, और हमारी डॉट के भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। जो हमारा बैक पार्ट है पूरा कंप्लीट यहाँ पे कट हो गया है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट, यहाँ पे गला भी कट हो गया और हमने डॉट के निशान भी लगा दे। अब हम आगे का पार्ट लेंगे, आगे के पार्ट में हम कैसे निशान लगाएंगे वो बताएंगे। तो पहले सबसे पहले जो हमारा बेल्ट ब्लाउज है उसके बेल्ट के लिए हम नीचे से लेंगे, यहाँ पे 3 इंच हम ले रहे हैं, और 3 इंच हर किसी साइज में 3 इंच नहीं चलेगा। जैसे आप ब्लाउज की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप लगभग यहाँ पे 4 इंच लीजिए, अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई कम है तो आप 3 इंच लीजिए, अगर बहुत ही कम है ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से लीजिए, बहुत ही कम है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच लीजिए। एक हमने यहाँ पे लाइन बना ली। अब यहाँ से हम
ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जो हमारा बेल्ट वाला सेफ होता है वो दे देंगे, वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी फोर टक डलेंगी ऊपर से हम रखेंगे यहाँ पे 9 इंच की एक डॉट डलेगी, जिससे हमारा साइज यहाँ पे बड़ा होता चलेगा जाएगा, उससे हमारा नीचे डॉट डलती जाएगी यहाँ पे लगभग 10 इंच, जैसे साइज लगभग 40 साइज में लगभग 10-10.5 इंच पे ये डॉट डलेगी, तो ऐसे ही होगा। जितना कम साइज होगा उस हिसाब से हमारी कम डॉट डलेगी। यहाँ पे 2-2 इंच का गैप देख के हम 4 डॉट यहाँ पे डालेंगे। ये 2 इंच का हमने इससे गैप दिया, यहाँ पे जितनी हमने चौड़ी डॉट लगाई है इतनी चौड़ी डॉट हमारी नीचे जे डलेगी। ये हमारी पतली डलेगी तो हमने यहाँ पे पतली लगाई, यहाँ से हम 2 इंच का गैप देंगे। अब 2 इंच का गैप देखें, यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया और यहाँ पे जाएगा हमारा आर्म होल की तरफ, ये हमारी डॉट आर्म होल की तरफ जाएगी, यहाँ पे देखें आगे आर्म होल की तरफ। और ये हमारी जो नीचे वाली डॉट है उससे 2 इंच हम यहाँ पे लेंगे, तिरछा रखेंगे और यहाँ पे ये डॉट हमारी डलेगी, ऐसे करेंगे और ऐसे ये भी हमारी पतली डलेगी। तो हमारी जो 4 डॉट हैं वो तो यहाँ पे डल गई हैं। अब जो हमारी कटिंग करनी है वो हमारी कटिंग हो जाएगी, कटिंग हम करेंगे। देखिए जो हमने निशान लगाया उसी पर बिल्कुल आपको कटिंग करनी है। अगर आप इसी जो हमने तरीका बताया, अगर आप इसी तरीके से कपड़े पर कटिंग करेंगे तो ब्लाउज आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनेगा। और आर्म होल की जो हमने गहराई दी थी वो उसी गहराई पर आगे की तरफ हमें काटना है, वो हम बाद में इसको छांट देंगे। तो जो हमारा ब्लाउज है वो यहाँ पे पूरा कट हो गया है। और आल साइज ऐसे ही आप यहाँ पे हर साइज के ब्लाउज कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लाउज कट हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।